ठीक है आरो नाइल भी कहता हूँ समझे आरा हॉस्पिटल तो अब जो मानी है रिक्वायर मानी कर दिया देखिए मैंने अपनी तरफ से एक ही स्टेटमेंट दिया है कि रेपिस्ट का कोई धर्म नहीं होता है कोई कम्युनिटी नहीं होता है और कोई पार्टी नहीं होता है। मैंने फैमिली को पूरा असिस्टेंस के लिए मैंने ऑफर किया है और मैंने कहा है कि किसी के प्रेशर में आने का दरकार नहीं है जस्टिस मिलेगा और कहीं में भी इसको वायलेंस नहीं करना चाहिए यहाँ में वायलेंस नहीं होना चाहिए सब लोग शांति से रह रहे हैं यहाँ में झगड़ा होने से जो आम जनता उनको प्रॉब्लम होता है तो मैंने उनको ये बात कहा है और इनको जनता पैलेस भी बुलाया है और उनको मेडिकल हेल्प फाइनेंशियल हेल्प जो भी हमारी तरफ से होगा हम करेंगे बस इतना है। अभी एज का डिस्क्रिप्शन बोला ठीक नहीं है लेकिन 18 से नीचे है तो एनी विक्टिम विच इज़ बिलो द एज ऑफ 18 विल बी ट्राइड इन हॉस्पिटल। हमें सुना है उनका माँ भी नहीं है ये। हाँ फैमिली में वो दादी है और बस बच्ची है तो माँ भी नहीं है ये मैं जानता हूँ। इसी के लिए हमें और भी हम इसको पॉलिटिकल कराकर बच्चे को इंसाफ नहीं मिलेगा कुछ नहीं होगा। हमको पहले इंसाफ दिलवाना है और उनका इकोनॉमिक स्टेटस को ठीक करना है और उसका ट्रीटमेंट देखना है। पॉलिटिक्स में जैसे मैंने कहा फिर से रेपिस्ट का अगर आज आप रेपिस्ट को जाति धर्म और पार्टी के नाम से देखोगे तो फ्यूचर में क्या होगा कि एक रेपिस्ट सोसाइटी के लिए ख़राब है। वो रेपिस्ट आज उन्होंने एक लड़की को रेप किया अगर आज वो चला जाएगा तो वो अपने फैमिली में ही करेगा अपनी सोसाइटी में करेगा तो रेपिस्ट को पॉलिटिकल या कम्युनिटी का कलर नहीं देना चाहिए। थैंक यू।